मॉर्निंग, मैं हूँ देवलीना। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहा है सुबह का 11। आज अभी से मैं मेरा वीडियो ब्लॉग चालू कर रही हूँ। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे सभी व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने मेरे गार्डन के लिए, जो बैल्कनी गार्डन है, उसके लिए कुछ नया मेहमान लेके आई हूँ। तो आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या लेके आई हूँ। अभी अभी थोड़ा जस्ट आके आप लोगों से वीडियो करना चालू किया है, आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो फिलहाल पहले दिखाती हूँ कि क्या लेके आई हूँ। मुझे ऐसे मिनी गुलाब बहुत पसंद है, तो एक लेके आई हूँ। और इधर है रेड कलर का, एकदम प्योर रेड, और ये है पिंक कलर का, डीप पिंक। तो दो रोज का प्लांट लेके आई हूँ। और इधर है बेली फूल, देख सकते हो आप। तो इसको लगाना भी है। प्लांट तो मैं शाम को लगाऊंगी, क्योंकि धूप में प्लांट लगाना अच्छा नहीं होता है, प्लांट के लिए बहुत ही ख़राब होता है। क्योंकि मैं देख के आई हूँ, बचपन से मेरे पापा पौधे वगैरह लगाते थे तो शाम को लगाते थे, तो मैं भी शाम को ही लगाऊंगी। और अभी फ़िलहाल लंच का तैयारी कर लेती हूँ। लंच में बहुत सिंपल सा ही बनाने वाली हूँ, पत्ता गोभी का सब्ज़ी। तो पत्ता गोभी का सब्ज़ी जो बंगाली स्टाइल पे है, वो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिलहाल तड़ फटाफट फ्रेश हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो पास वाले बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए बहुत जोर आवाज़ है। तो इधर मैं फिलहाल एक आलू को ऐसे छोटे छोटे क्यूब कट करके रखी हूँ। एक छोटू सा गाजर को ऐसे छोटा छोटा क्यूब कट करके रखी हूँ। इधर है एक टमाटो, वो भी क्यूब कट करके रखा हुआ। थोड़ा सा मटर, इधर है अदरक का पेस्ट, इतना नहीं लगेगा। ये पत्ता गोभी अच्छे से धो के फ्रेश करके मैंने पानी झड़ने के लिए रख दिया है। और इधर है फोड़न के लिए दो सूखी मिर्च, एक तेज पत्ता, थोड़ा सा सौंफ, कलौंची, और इधर है होल जीरा। तो चलिए अभी फटाफट आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे बनता है। तो इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, अभी इसमें डालूंगी थोड़ा सा सरसों का ऑयल। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल में भी आलू, गाजर, मटर को फ्राई कर सकते हो। आधा चम्मच का करीब ही ऑयल डाली हो, लेकिन पत्ता गोभी का सब्जी सरसों के ऑयल में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें अभी काट के रखा हुआ आलू और गाजर डाल दूंगी। थोड़ा सा नमक, आलू और गाजर जब 60% फ्राई हो जाएगा, तब हम इसमें मटर डाल के थोड़ा 2-3 मिनट और फ्राई कर लेंगे। तो आलू और गाजर 60% फ्राई हो चुका है, इस टाइम मैं इसमें डाल दूंगी मटर। अभी और 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो आलू, मटर, गाजर फ्राई हो चुका है, अब इसको उठा के रख देती हूँ। तो अभी इसी कढ़ाई पे डालूंगी 2 चम्मच सरसों का ऑयल। तो अभी ऑयल पे डाल दूंगी 1 तेज पत्ता तोड़ के, सूखी मिर्च, 1 पिंच कलौंची, 1 पिंच होल जीरा और 1 पिंच सौंफ। तो 2 ही सूखी मिर्च डाल रही हूँ। अभी इस होल मसाला से जब थोड़ा खुशबू निकलना चालू होगा, तब मैं इसमें डालूंगी अदरक का पेस्ट। तो मसाला से खुशबू निकलना चालू हो चुका है, अभी इसमें डाल दूंगी आधा टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और डालूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। टाइम गैस को एकदम लो रखूंगी, तो अदरक ज़्यादा छिपकेगा नहीं, और हल्दी के वजह से भी अदरक ज़्यादा नहीं छिपकता है। तो अभी इसमें डालूंगी 1 चम्मच का करीब पानी, नहीं तो अदरक नीचे से लग सकता है।
अभी डालना है आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और अभी 2 से 3 मिनट तक हमें लो फ्लेम में चलाते हुए फ्राई करना है, जब तक मसाला का कच्चापन ना चला जाए। तो आप देख सकते हो मसाला से ऑयल निकलना चालू हो गया है। इस टाइम मैं इसमें डाल दूंगी चॉप्ड पत्ता गोभी, अब डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, स्वाद अनुसार ही सॉल्ट, अभी मिक्स करना है। तो मिक्स हो चुका है, अभी इसको ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक रखना है तो नरम होके गल जाएगा, मीडियम फ्लेम में रखना है। तो 3 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हो कि पत्ता गोभी बहुत ही कम हो गया है, और पत्ता गोभी के अगर आप बॉयल करके बनाएंगे तो कम टाइम लगता है, लेकिन आप ऐसे बंगाली जो अनुष्ठान बाड़ी होता है वैसे बनाएंगे प्रोसेस से तो थोड़ा बनाने में टाइम जाता है। तो अभी इसमें डाल दूंगी काट के रखा हुआ टमाटो, तो अभी मीडियम फ्लेम में हमें चलाते हुए तो फ्राई करना है। तो देख सकते हो नीचे से लग रहा है, मतलब अच्छे से फ्राई हो चुका है पत्ता गोभी और नरम भी हो गया है एकदम, और टमाटो भी देख सकते हो कि नरम हो गया है। तो इस टाइम इसमें डाल दूंगी फ्राई किया हुआ आलू, गाजर और मटर, और अभी और नमक नहीं डालना है क्योंकि हम पत्ता गोभी में भी नमक डाल रहे थे और फ्राई किए हुए भेजिस में भी नमक डाला था, तो इसीलिए अभी और नमक नहीं डालूंगी। तो अभी 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम में हमें इसको अच्छे से चलाते हुए फ्राई करना है। तो आलू नरम होके जल गया है, इस टाइम इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, इस कटोरी का 1 कटोरी। अभी 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसको मीडियम टू लो फ्लेम में ऐसे ही रखना है बिना ढके हुए, क्योंकि सब कुछ नरम होके पूरा गल गया है। तो चलिए 2 से 3 मिनट बाद दिखाती हूँ आप लोगों। तो आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट हो चुका है और ग्रेवी भी कम हो गया है, और पत्ता गोभी का सब्जी हमारा एकदम रेडी है जैसे बंगाली अनुष्ठान बाड़ी पे होता है। ये देखिए आलू भी एकदम अच्छे से बॉयल हो गया है। तो अभी इसमें डालूंगी थोड़ा सा चीनी, आप शुगर डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा होता है। तो और इसमें ज़्यादा है धनिया जीरा पाउडर, तो मेरे पास फिलहाल थोड़ा ही है, ख़त्म हो चुका है, इसलिए जितना था उतना ही डाली हूँ, नहीं तो आप 1 चम्मच इसमें डाल दीजिएगा, और भी मिक्स कर दूंगी। तो रेडी हो चुका है हमारा पत्ता गोभी का सब्जी बिना प्याज और लहसुन का, तो अभी इसको साथ कर लेती हूँ। तो मेरा पत्ता गोभी का सब्जी अब देख सकते हो, एक बार घर पे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी होता है, राइस के साथ या आप पराठा के साथ भी खा सकते हो पूरी। तो राइस बन चुका है और पत्ता गोभी का सब्जी भी बन चुका है, अभी फिलहाल दाल को तड़का लगा के किचन विचन साफ कर लेती हूँ, और खाने के टाइम हम लोग फिश फ्राई करेंगे क्योंकि फिश फ्राई गर्म गर्म ही अच्छा लगता है। तो फिलहाल अभी दाल को तड़का लगा लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा घर का भी काम कर लेती हूँ सफाई वफाई का, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। दोपहर के लंच के बाद और वीडियो नहीं किया था मैंने, और कुछ तबीयत खराब होने की वजह से,
और अभी हमारी सोसाइटी मतलब पूरा जो जहाँ पे हम लोग रहते उधर अभी ऐसा इस मतलब महीने पे ऐसा है कि पालकी आता है, उसमें बहुत सारे भगवान रहते, तो मेरा तो तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं जा पाई, लेकिन गैलरी से जितना हो सकता था आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इधर का जो त्यौहार है कैसा है क्या नहीं है, आशा करती हूँ आप लोग भी इंजॉय करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि अगले साल भी मैं जब इधर थी तो हुआ था, लेकिन मेरा उस बिल्डिंग पे ऐसे कुछ प्रोग्राम नहीं होता था। तो इधर आने के बाद बहुत कुछ सोसाइटी में होते हैं, आप लोग देख ही सकते हो। तो पालकी को ना इतने ज़ोर ज़ोर से लोग दुला रहे थे, मतलब दुलानो जो बोलते इतना ज़ोर ज़ोर से दुला छिलो ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पालकी से भगवान जो रहते वो नीचे ना गिर जाए, लेकिन इन लोगों का जो है ना बहुत ही अच्छा है, लोग देख ही सकते हो। हमारे सोसाइटी से भी सभी गए थे, सिर्फ हम ही लोग नहीं गए थे, ऊपर से हस्बैंड भी नहीं था, उसके आते आते थोड़ा लेट हो गया था, तो इसीलिए मैं नहीं गई थी। लेकिन अब मेरी गैलरी से फुल अब मैं भी इंजॉय कर रही हूँ और आप लोग भी इंजॉय कर सकते हो इस चीज़ को। तो भगवान सभी को आशीर्वाद दे, आप सभी इस भगवान से थोड़ा आशीर्वाद ले लीजिए।